कागज देख लें, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। तो कौन सा असीमित अधिकार दिए किसने? कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने दिया है, ये बीजेपी ने नहीं दिया है। ये कानून कांग्रेस के जवाब रेखा है, हम लोग नहीं कानून, हम तो संशोधन चाहते हैं। इस तरह की बातों में जो चीजें जो देखिए, आप जैसे किसी क्लास में कोई मुस्लिम टीचर लेक्चर दे रहा हो, नमाज का टाइम हो जाए, अब वो दूध खड़िया खड़ा करेगा या किताब रख देगा और चला जाएगा नमाज में, जबकि इस्लाम में नमाज माफी का है। आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, फिर अगली नमाज का टाइम हो तो आप जाके दुबार कर लेना, ये व्यवस्था है। अगर उसमें संशोधन हो रहा है तो कौन सी बुरी बात है? एनकाउंटर को लेकर के काफी सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं, उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जो लोग एनकाउंटर की बात कर रहे हैं अमित शाह को न्यायालय जाए, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि न्यायालय में लोगों की जान वापस आ सकती है तो एनकाउंटर मारे गए हैं? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब 67 पूरे प्रदेश में अब तक का जो हमने आंकड़ा देखा है 67 मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे, उस पर तो नहीं बोल रहे हैं। 20 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है जो अपराधी थे, उस पर तो नहीं बोल रहे हैं। और 19 ठाकुरों का एनकाउंटर हुआ उसको नहीं बोल रहे हैं। राजभर का हुआ, कश्यप का हुआ, बिंद का हुआ, उस पर तो नहीं बोल रहे हैं। खाली यादव को क्यों बोल रहे हो भैया? यादवों के नेता हो, औरों पर बोलो जरा। खाली यादव की लीडरशिप करते हो, 20% मुसलमान है, आबादी है, 67 लोगों का एनकाउंटर हुआ, और आप ही की पार्टी में सांसद थे, विधायक थे, अतीक अहमद किसकी पार्टी के थे? अगर कहा जाए इससे पहले सीएम योगी की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की और तीसरी आपकी जनसभा हुई है, क्या ये जो चुनाव होने जा रहा है इसी की तैयारी? अच्छा ये बताओ, हम नया आए हैं, आप ही लोग बताओ। हम रूटीन में कार्यक्रम करते हैं, अब हमारा कार्यक्रम पश्चिम में है, गाजियाबाद तक का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पार्टी को ग्रोथ में ले जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन का विकास हो, लोग अपने हक के लिए जागरूक हों। जैसे आप लोग ही, हमको अंदाजे कि आप लोग अपने जीवन में दर्जनों नेता बना दिए होंगे दिल्ली लखनऊ के लिए, लेकिन पत्रकार आयोग की गठन की बात तो कोई नहीं करता है, अगर ये करता है तो प्रकाश राजभर। अच्छा भी महिला आयोग में जो चुनाव हुआ उसको लेके अपना यादव कुछ ना कुछ जो उपाध्यक्ष का पद मिला? देखिए आपको बता दें कि पद है सीमित, 403 विधानसभा की सीटें हैं और लड़ने वाले कम से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाज है 1,00,000 लोग हैं, तो कहाँ से देंगे टिकट? लेकिन नाराजगी थी कुछ उनकी? स्वाभाविक है, देखिए कोई आदमी चाहता है कि लड़के, भाई किसान जिस तरह खेत में लड़ करके अच्छी फसल लेना चाहता है, उसी तरह हर नेता सोचता है कि हमको अच्छा पद मिले, वो भी लड़ता है, उसका अधिकार है लड़ना, अपनी पार्टी में अपने नेता से लड़ना उसका अधिकार है। आप एनडीए का हिस्सा है, भैया मेरे हम प्रत्याशी नहीं तय करते, हम अपनी पार्टी, हाँ मैं आपके कार्यक्रम में सभी वीडियो और सेनेटरी को फसल लाने के लिए भीड़ करने के लिए एक पत्र जारी किया गया है। मुझे ऐसी कोई जानकारी, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ आए हुए जो लोग हैं वो भारतीय समाज पार्टी के सिपाही, हमारे नेता इस मंडल के अलग अलग जिले से जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष प्रदेश के नेता आए थे, वो गांव गांव जाकर के खुद जो है चौपाल लगा कर लोगों को लाने का काम। नहीं महाराज, पत्र सोशल मीडिया पर जारी हो रहा है वो आपका? ये हम नहीं जानते, हमको नहीं पता भैया, हम ऐसा नहीं करते, हम अपने मन से हैं, हम स्वतंत्र हैं। आपकी सरकार है उसके बाद भी बीजेपी कहती है कि महिलाएं सुरक्षित, कासगंज में अधिवक्ता की दुर्दम हत्या, इतनी बुरी घटना के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? नहीं अच्छा ये बताओ, कोई नई घटना है? आप बताओ, आज़ादी के बाद से आप एक नई घटना बता रहे हो? आप ईमानदारी से बताओ, आज योगी जी की सरकार 7.5 साल लगभग पूरा कर रही है, आप बताओ कि दंगा रुका कि नहीं रुका? पहला चीज, कर्फ्यू कहीं बताओ रुका कि नहीं रुका? आज सब लोग उससे आज़ाद हैं ना? आज प्रयास हर सरकार कहती है कि हम बेहतर व्यवस्था दें, उसमें योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगे हैं, हम भैया सहयोगी दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी में हमारा गठबंधन है एनडीए में, हम वहाँ हैं, हमसे जितनी मदद होगी उतना हम गरीब कमजोर पिछड़े दलित। एक आखिरी सवाल आपसे, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक मस्जिद को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। अरे यूपी की बात करो, कांग्रेस का विरोध है ना, कहे के बाद मंत्री जी ने कल एक तरह से एक
अगर इस पे कहा जाए तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 27% आरक्षण क्या जाति देख करके नहीं दिया गया है? आप समाजवादी से पूछिएगा, यहाँ आए हुए चाहे कश्यप हो, चाहे शाक्य सैनी माली हो, चाहे बिंद के वर्तमल्ला हो, चाहे राजभर चौहान हो, जो अत पिछड़ी जाति है, नाई गोंड कुम्हार लोहार है, क्या जाति देख करके भर्ती नहीं हुई पुलिस में, लेखपाल में, ग्राम सेवक में? उंगली उठाने से पहले अपने गृहबान में तो झांक के देखो कि मैंने सरकार चलाई तो क्या किया है, क्या पिछड़ों को हक देने का बराबर हिस्सा हुआ? चलिए।